हमको कितना टारगेट लेकर चलना चाहिए, हमको पेपर में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, कितने क्वेश्चन हमारे सही होने चाहिए जिससे हमारा फाइनल रूप से सिलेक्शन हो जाए। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल को लेकर। ज्यादातर मुझसे ये भी पूछते हैं कि गई बार जो कट ऑफ रही थी वो कट ऑफ कितनी रही थी, और सबसे बड़ा मुद्दा है कि अब की बार सेफ स्कोर क्या है, अब की बार कट ऑफ क्या रह सकती है, इसके अलावा पेपर का लेवल कैसे आता है, और सबसे बड़ी बात है हमको कितना टारगेट लेकर चलना चाहिए, हमको पेपर में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, कितने क्वेश्चन हमारे सही होने चाहिए जिससे हमारा फाइनल रूप से सिलेक्शन हो जाए, और कितने क्वेश्चन यदि हम सही करेंगे तो हमको फिजिकल के लिए बुलाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों वो है कि क्या इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन भी होता है, कि आपकी कट ऑफ किस प्रकार बनने वाली है, क्या पूरे राज्य की कट ऑफ एक बनेगी या फिर जिले वाइज कट ऑफ बनने वाली है, सभी मुद्दों पे मैं बात करने वाला हूं। तो दोस्तों चैनल पे आप पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले जिनको जरूर दबा लेना, वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। इसके अलावा दोस्तों यदि आपका बी पार्ट कमजोर है तो दोस्तों मैंने लगभग बी पार्ट में जो भी आपके टॉपिक आएंगे लगभग दोस्तों मैंने सभी टॉपिक अपलोड कर दिए हैं, तो पूरी की पूरी वीडियो आपको दोस्तों अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है, प्लेलिस्ट का नाम है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल बी पार्ट, तो वहां जाके आप पूरी वीडियो जरूर देख लेना, आपके लिए बहुत ही दोस्तों लाभदायक वीडियो होने वाली है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताऊं चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले चैनल को जरूर दबा लेना। पहला आपका मैं डाउट क्लियर कर देता हूं कि गई बार की कट ऑफ क्या रही थी। दोस्तों मैं आपको बता दूं गई बार तो क्या राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में क्या होता है कि जो आपकी मेरिट बनती है, जो आपकी कट ऑफ बनती है वो दोस्तों हर जिले की अलग बनती है, जिसमें जिले से आपने फॉर्म भरा है तो आपकी कट ऑफ अलग बनेगी, ठीक है, आपकी कट ऑफ अलग बनेगी। अब आपके जिले की कट ऑफ ज्यादा भी जा सकती है और कम भी रह सकती है, क्योंकि दोस्तों बहुत जिले ऐसे भी होते हैं जहां पर दोस्तों 47, 48, 45 पर भी सिलेक्शन हो गया था कई बार, और ऐसे भी जिले थे जहां पर दोस्तों 60 पर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आपको मैंने बता दिया आपकी जो कट ऑफ बनेगी दोस्तों वो आपकी जिले वाइज बनने वाली है। पहला तो मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया। दूसरा डाउट आएगा, वो डाउट क्या आएगा कि गई बार की कट ऑफ क्या रही थी। तो गई बार की कट ऑफ का मैं आपको अंदाजा बता दूं, गई बार की कट ऑफ दोस्तों आपको पता होगा हर जिले की अलग कट ऑफ जाती है। तो दोस्तों राज्य संबंध एकमात्र ऐसा जिला था जिसमें बच्चों के यदि किसी के 60 नंबर भी आए थे ना उसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ। 60 नंबर जनरल कैटेगरी ओबीसी बता रहा हूं, जहां पर 60 नंबर आए थे उसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ। और बहुत जिले ऐसे भी थे जहां पर दोस्तों 48 और 50 पर भी सिलेक्शन हो गया था। तो ये तो आपके दोस्तों मैंने आपको क्या बता दी, मोटा मोटा अंदाजा बता दिया कि बहुत जिले ऐसे थे, जैसे दोस्तों राज्य संबंध हो गया, कोटा हो गया, इनकी कट ऑफ थोड़ी सी दोस्तों गई बार ज्यादा गई थी। लेकिन बहुत जिले ऐसे भी है जिनकी कट ऑफ दोस्तों कम रही थी। अब वो जिले कौन कौन से हैं, वो दोस्तों जिले है पश्चिमी साइड के जिले जहां पर दोस्तों बहुत कम ज्यादा फॉर्म भरे जाते हैं और यहाँ की कट ऑफ भी कम रहती है। तो मैंने आपको अंदाजा बता दिया दोस्तों पिछली बार की कट ऑफ का। यदि आप दोस्तों कट ऑफ पूरी जानना चाहते हो कि प्रत्येक जिले की कट ऑफ कितनी गई थी, तो उसको लेकर दोस्तों मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर वीडियो बना रखी है कि लगभग दोस्तों इतने नंबर वाले बच्चे का सिलेक्शन हो गया था। तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या चैनल पे जाकर आप देख भी सकते हो। लेकिन मैंने मोटा मोटा अंदाजा दे दिया दोस्तों, लगभग दोस्तों 55 के आसपास जिसके भी बन रहे थे उस बच्चे का सिलेक्शन हो गया था लगभग सभी जिलों से। लेकिन बहुत जिले ऐसे थे जहां पर दोस्तों 60 पर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये तो मैंने आपको ही बता दिया। अब सबसे बड़ा मुद्दा ये आ रहा है कि अब की बार कट ऑफ क्या रह सकती है, अब की बार सेफ स्कोर क्या नजर आ रहा है। तो मैं दोस्तों आपको बता दूं अब की बार दोस्तों जो डिपेंड करेगा वो पेपर के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका पेपर कैसा होने वाला है, क्या पेपर सरल आएगा, क्या पेपर कठिन आएगा। यदि दोस्तों आपका पेपर सरल आता है इसका मतलब है कट ऑफ कहीं ना कहीं दोस्तों ज्यादा जाएगी, और यदि आपका पेपर दोस्तों थोड़ा कठिन आ जाता है, जैसे दोस्तों ग्राम सेवक का है तो वैसा पेपर आ जाता है, इसका मतलब यह आपकी कट ऑफ दोस्तों कहीं ना कहीं कम रहने वाली है। तो अभी दोस्तों हम अंदाजा ही लगा सकते हैं, कह नहीं सकते कि कट ऑफ कितनी जाएगी, क्योंकि पूरा जो डिपेंड करेगा वो पेपर के ऊपर डिपेंड करेगा कि पेपर का लेवल कैसा होता है। यदि 13 तारीख को पेपर लगेगा उसके बाद में हम खुद बता देंगे कि कट ऑफ क्या रह सकती है, लेकिन अभी अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन बहुत ये भी कमेंट करेंगे कि हमको सेफ स्कोर तो बता दो कि कितने नंबर वाले का सिलेक्शन हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं बिल्कुल दोस्तों सेफ स्कोर याद रखना, सेफ स्कोर जो दोस्तों रहेगा वो रहेगा मेल कैटेगरी का, वो तो रहेगा दोस्तों 120 के आसपास, ये नंबर वाला दोस्तों बिल्कुल सेफ हो जाएगा। 150 में से यदि आप 120 के आसपास, अब ऐसे भी बोल रहा हूं फिक्स 120 लिख रहा हूं, 118-120 के आसपास यदि आपके नंबर आ जाते हैं, इसका मतलब यह फाइनल सिलेक्शन की दोस्तों दौड़ में हो, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा मेल कैटेगरी में।
फीमेल कैटेगरी में जिसके 110 के आसपास भी बन जाते हैं जनरल कैटेगरी फीमेल में, उसके भी दोस्तों सिलेक्शन के चांस है वो पूरे पूरे नजर आ रहे हैं। तो मैंने आपको सेफ स्कोर बता दिया, आपको जो टारगेट लेकर चलना है मेल को तो 120 का और फीमेल को 110 प्लस का टारगेट लेकर चलना है। 150 में से इतने नंबर आपको लेके आने हैं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों आपके पास पोस्ट भी कम है और फॉर्म भी बहुत ज्यादा अप्लाई हुए हैं, लेकिन मैंने आपको सेफ स्कोर बता दिया। अब की बार कम से कम दोस्तों आपको इतने नंबर तो लाने पड़ेंगे, और यदि दोस्तों पेपर थोड़ा कठिन आ जाता है तो इनसे भी कम कट ऑफ रहने वाली है। लेकिन मैंने आपको सेफ स्कोर का थोड़ा अंदाजा बता दिया, इससे आपको पता चल जाएगा कि लगभग कितने नंबर पे सिलेक्शन होने वाला है। अब ज्यादातर मेरे पास ये भी कमेंट करेंगे कि क्या नाम है, हम जो मॉडल टेस्ट पेपर लगाते हैं उसमें तो हमारे सिर्फ और सिर्फ 80 बन रहे हैं, हमारे 100 बन रहे हैं, तो हमारा फिर सिलेक्शन कैसे होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मॉडल टेस्ट पेपर अलग होता है, पेपर अलग होता है। मॉडल टेस्ट पेपर का काम होता है दोस्तों आपकी तैयारी जांचना, आपकी तैयारी कितनी है वो टेस्ट पेपर से आपको पता चल जाएगा कि तैयारी कितनी है। लेकिन जो दोस्तों निर्भर रहेगा ना आपका सिलेक्शन, वो निर्भर रहेगा अंतिम दोस्तों 120 मिनट जो आप पेपर दोगे ना, वो 120 मिनट रहेंगी, वही दोस्तों सर्वमान्य रहेंगी और वही दोस्तों आपका सिलेक्शन का समय रहेगा। 120 मिनट में आपका दिमाग दोस्तों कैसे कार्य करता है, आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, यही दोस्तों सिलेक्शन की कुंजी है। यहाँ पर यदि आपके 80-90 आ रहे हैं ना, तब भी दोस्तों यदि आप यहाँ पर 120 118 110 भी ले आते हो तब भी आप सिलेक्शन की रेस में हो। तो मैंने आपको बता दिया, यदि आपके मॉडल टेस्ट पेपर में कम नंबर भी बन रहे हैं तब भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको दोस्तों कोशिश करनी है। यहाँ पर जो पेपर आप देने बैठो 120 मिनट, ये दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाली है। 120 मिनट आपका दिमाग किस प्रकार कार्य करता है ये दोस्तों सिलेक्शन दिलाएंगे 120 मिनट। तो आपको दोस्तों टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत कमेंट करते हैं ना कि मेरे तो स्कोर है वो कम नजर आ रहा है, मैं जब मॉडल टेस्ट पेपर लगाता हूँ तो मेरे 90-100 नंबर बन रहे हैं, तो उनको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब सबसे बड़ा मुद्दा आता है कि पेपर का लेवल कैसा आता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, पिछले साल का पेपर उठाकर देख लेना, पेपर का नॉर्मल बिल्कुल दोस्तों पेपर का जो लेवल आता है वो बिल्कुल नॉर्मल आता है। और अब दोस्तों राजस्थान में क्या हो रहा है, राजस्थान में जो क्वेश्चन दे रहे हैं वो बिल्कुल दोस्तों नॉर्मल दे रहे हैं। उदाहरण के लिए आपको बता दूं, आपने रीट का पेपर देखा होगा, बिल्कुल नॉर्मल था दोस्तों। उसके बाद में अभी थोड़े दिन दोस्तों राजस्थान हाईकोर्ट LDC का एग्जाम लगा था, आपने भी दिया होगा दोस्तों, वो भी बिल्कुल नॉर्मल पेपर था। और चांस नजर आ रहे हैं कि पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर लगेगा वो भी दोस्तों नॉर्मल ही आने वाला है। कई बार में नॉर्मल ही था, अब की बार में नॉर्मल ही आने वाला है। आपको दोस्तों टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये 120 मिनट है ना, यही आपको दोस्तों सिलेक्शन दिलाएंगे। तो दोस्तों मैंने आपके सभी मुद्दे क्लियर कर दिए हैं, अब भी आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो आप बेझिझक मुझे कमेंट कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों बी पार्ट की अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी है तो पहले तो जाकर आप बी पार्ट की वीडियो जरूर देखना। यदि आप एक बार वीडियो देख लेते हो ना दोस्तों, तो वीडियो को छोड़ने का मन ही नहीं करेगा, आप पूरी वीडियो देखोगे। क्योंकि दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको याद कराया है कि वापस से फड़ने की जरूरत नहीं है, एक ही वीडियो में आपका एक टॉपिक मैंने क्लियर करा दिया। अभी आपके पास दोस्तों 15 दिन का समय है, 15 दिन में मैं आपका बहुत दोस्तों बहुत कुछ क्लियर करा दूंगा, करण जीके के इंपोर्टेंट टॉपिक भी क्लियर करा दूंगा, इतिहास के जो 2-3 टॉपिक बच रहे हैं वो भी क्लियर करा दूंगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चैनल पे पहली बार हूं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाचन को जरूर दबा लेना और वीडियो पे एक लाइक जरूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।